स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो अनइक्वल इंटरवल्स हैं उनके इंटरपोलेशन पढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने इंटरपोलेशन के जो इक्वल इंटरवल थे उनसे रिलेटेड जो न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला था वो पढ़ा था। न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंशियल फॉर्मूले पढ़े थे। इन्हीं से नेक्स्ट टॉपिक में हम अनइक्वल इंटरपोलेशन फार्मूला पढ़ते हैं। तो ये बीएससी पार्ट सेकंड अनइक्वल डिफरेंसेस। अनइक्वल डिफरेंसेस में हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो ऐसे है लैग्रांजेस फार्मूला और सेकेंड है डिवाइडेड डिफरेंसेस फार्मूला। ये जो लैग्रांजेस फार्मूला है वो इक्वल इंटरवल में भी लगता है और अनइक्वल इंटरवल के लिए भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। यानी ये एक ऐसा फार्मूला है जो जिसको हम दोनों में ही लगा सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे डिवाइडेड। तो इसमें लैग्रांजेस फार्मूले में जो पॉलिनोमियल्स दिए होते हैं उनमें जो हम f ऑफ x याद करते हैं जो टेबल दी होती है उसके लिए एक फार्मूला है। यानी इसमें कुछ टॉपिक हैं, पॉइंट हैं x1 x0 x2 x3 xn और इससे रिलेटेड जो फलन है x0 f ऑफ x1 f ऑफ x2 f ऑफ x3 इसी प्रकार f ऑफ xn। इससे हम जो फलन इच्छित फलन हम ज्ञात करना चाहेंगे यहाँ x की जगह कोई कोई जो मान हम ज्ञात करना चाहेंगे वो इस x की जगह हम मान रखते हैं। तो ये फॉर्मूला है f ऑफ x, यहाँ सबसे पहले x x आएगा। अब एक बिंदु सबसे पहले वाला छोड़ देते हैं, बाकी वाले सब x में से घटाएंगे। x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 x माइनस xn और इसी प्रकार x0 छोड़ा x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 x0 माइनस x3 x0 माइनस xn इनटू में f ऑफ x0। ये रिक्वेस्ट वाला है। इसी प्रकार सेकंड वन के लिए भी प्लस लगा के सेकंड वन में हम इसको छोड़ देते हैं। तो x माइनस x0 x माइनस x2 x माइनस x3 x माइनस xn अपॉन कौन सा पद छोड़ा था आपने यहाँ पर x1 छोड़ा है। अब x की जगह जो पद हम x की जगह छोड़ते हैं वो x की जगह रख देंगे x1 है। तो x1 माइनस x0 इसी प्रकार x1 माइनस x2 x1 माइनस xn f ऑफ x1। इसी प्रकार हम इसके सारे पद याद कर सकते हैं। ये फार्मूला है, इसको वैसे इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से इसको याद रखना है। एक एक मान हम छोड़ते जाएंगे और ऊपर देखो सबसे पहले x है, प्रत्येक क्वेश्चन में सबसे पहले x लेना है, पहला छोड़ दिया, बाकी सब मान x से घटवाने हैं और जो वैल्यू हम छोड़ते हैं जिसको हमने छोड़ा है वही वैल्यू नीचे आएगी। और पहले ये सारे मान हम रख देते हैं। तो सरल सा फार्मूला है, समझ में आ गया होगा, याद रखना है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग में फिट रखना है। अब इसमें से हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है f ऑफ x1
यहाँ f of one की वैल्यू two है, f of two की वैल्यू three है four, f of three की वैल्यू eight, f of four की वैल्यू 16 और f of seven 128. ये मान हमें दिए गए हैं. इससे हमें वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ एफ ऑफ फाइव. एफ ऑफ फाइव अपने को ज्ञात करना है, तो यहाँ एक्स की जगह हम एफ ऑफ फाइव रखेंगे. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें एफ ऑफ वन टू दिया हुआ है, एफ ऑफ टू फोर है, एफ ऑफ थ्री एट है, एफ ऑफ फोर 16, एफ ऑफ सेवन 128, यानी वन एक्स जीरो इसकी टू है, टू की फोर है, थ्री की एट है, फोर की 16 है, सेवन की 128. ये मान हमें सारणी में, मान लीजिए ये सारणी अपने को दी हुई है. फर्स्ट एक्स जीरो होता है, ये एक्स वन, ये एक्स टू, ये एक्स थ्री, ये एक्स फोर, ये फलन का मान है एफ ऑफ एक्स जीरो, एफ ऑफ एक्स वन. तो हमें एफ ऑफ एक्स याद करना है, तो एफ ऑफ एक्स का एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस सबसे पहले हम एक्स माइनस एक्स वन लेते हैं, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स एन अपॉन एक्स जीरो माइनस एक्स वन, एक्स जीरो माइनस एक्स टू और एफ ऑफ एक्स जीरो. यही फार्मूला है पीछे वाला जो हमने लिया है. तो यहाँ अब हम इस फार्मूले से इसमें सारे मान रखेंगे बारी बारी से. तो देखिए तो सबसे पहले ये x जीरो है, इस x जीरो को हम छोड़ देते हैं. सबसे पहले x, x की जगह अपने को क्या याद करना है, f of 5 याद करना है. तो यहाँ f of 5, तो 5 माइनस इसको छोड़ देते हैं, तो 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, 5 माइनस 4, 5 माइनस 7, जिसको छोड़ा है उसको x की जगह यानी कि 5 की जगह करना है. तो 1 माइनस 2, 1 माइनस 3, 1 माइनस 4, 1 माइनस 7 इंटू एफ ऑफ एक्स जीरो की वैल्यू हमें 2 दी हुई है. इसी तरह नेक्स्ट पर 5 माइनस 1, अब हम इसको छोड़ देते हैं, तो 5 माइनस 1, 5 माइनस 3, 5 माइनस 4, 5 माइनस 7 अपॉन यहाँ पर कौन से पद को छोड़ा है हमने, 2 को छोड़ा है. तो अब 5 के जगह प्रत्येक पद में 2 लेंगे, 2 माइनस 1, 2 माइनस 3, 2 माइनस 4, 2 माइनस 7 इन टू इसके फलन का मान 4. इसी प्रकार नेक्स्ट पर हम ये छोड़ देते हैं, 5 माइनस 3 छोड़ देते हैं, तो 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 4, 5 माइनस 7 अपॉन 3 को छोड़ा है, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, 3 माइनस 4, 3 माइनस 7 इंटू 8 ये आ गया. अब हम इसको छोड़ देते हैं, 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, 5 माइनस 7 इंटू 4 को छोड़ा है, तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3, 4 माइनस 7 इंटू 16, 2 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, 16 आ गया, लास्ट 128 बचा है. तो इसी प्रकार लास्ट का हो देगी 128 की वैल्यू और देते हैं, प्लस 5 माइनस
1, 5 minus 2, 5 minus 3, 5 minus 4, यानी लास्ट वाले को छोड़ना है, इसको छोड़ना है, अब 5 के साथ हम करेंगे 7, 7 minus 1, 7 minus 2, 7 minus 3, 7 minus 4, into 1, 28, सारे पद हमें लिख दिए हैं, अब आगे का जो काम है फॉर्मूले में रखने के बाद में हम इसकी गणना करते हैं। गणना यहाँ पर थोड़ी ध्यान से करनी है क्योंकि बहुत सारे पद है, तो पता है f of 5 equal to यहाँ हो जाएगा 3 2 1 minus 2 upon minus 1 minus 2 minus 3 minus 6 into 2 plus यहाँ देखिए 4 2 1 minus 2 into 1 minus 1 minus 2 minus 5 into 4 इसी प्रकार ये देखिए ये हो जाएगा 4 3 1 minus 2 यहाँ हो जाएगा 2 1 minus 1 minus 4 into 8 plus ये रहिए 4 3 2 minus 2 upon 3 2 1 minus 3 into 16 और लास्ट है plus 4 3 2 1 और 6 5 4 3 into 128। तो अब इसको सरल करते देंगे 2 से 2 कैंसिल 3 से 3 कैंसिल 2 से ये 3 हो जाएगा तो ये बच गया माइनस का 2 अपॉन 3। देखिए ऊपर से एक माइनस का है नीचे 4 है तो 3 माइनस का बचेगा माइनस 2 अपॉन 3। नेक्स्ट देखिए 4 से 4 नहीं कैंसिल होगा 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पर बचेगा 4 इंटू 2 इंटू 4 कितने हो गए 32 32 अपॉन 5 आंसर देखिए 32 अपॉन 5 बचता है। यस नेक्स्ट देखिए 4 से 4 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल ये बचेगा 24 इंटू 1 प्लस इसमें 3 से 2 से 2 कैंसिल 3 से 3 कैंसिल तो ये बचेगा 8 इंटू 16 128 इंटू 3 लास्ट का 128 बचेगा 23 इंटू 6 4 से 4 कैंसिल इंटू चिन्ह बचेगा पॉजिटिव प्लस का चिन्ह है तो ये मान है। हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं लगभग कर लेते हैं एलसीएम 15 3 माइनस का 10 प्लस 96 माइनस 24 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस 128 को 5 से करेंगे तो प्लस का 640 प्लस 128 तो इसी प्रकार जब सबको जोड़ते हैं उनको जोड़ते इसमें से ये नेगेटिव अगर संख्या हम घटाते हैं तो क्या बचेगा नेगेटिव संख्या से देखिए 4 अपॉन 15 और इसको डिवाइड करेंगे तो 32 अपॉन 9333 तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको हमने लैग्रांजेस फॉर्मूले से हल किया है। लैग्रांजेस फॉर्मूले में बस ये ध्यान रखना है जो वैल्यू हमें याद करनी है वो सबसे पहले आएगा क्वेश्चन में ये हमें पॉइंट फलन के मान है बाद में आएंगे ये 2 है तो 2 किसका मान है 0 का है तो हमने 0 छोड़ दिया 0 वाला मान यहाँ 1 है ये नीचे जहां जहां 5 है तो उसकी जगह हम जो मान छोड़ा है वो रख देंगे। अब इसमें हमने नेक्स्ट 2 छोड़ दिया तो ये 2 छोड़ दिया तो 5 में से 1 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 7 आएगा 2 छोड़ दिया तो अब नीचे 2 में से आ जाएगा
एक लंगा मान है सब में, इसी प्रकार इसमें हमने थ्री छोड़ा है तो नीचे थ्री आ गया, सब में देखो थ्री माइनस सेवन थ्री माइनस फोर, इसी प्रकार इसमें हमने फोर छोड़ा है फाइव माइनस वन टू थ्री जीरो आ गया तो फोर फोर में से आ जाएगा। तो इस प्रकार से सिंपल एकदम से सिंपल तरीका है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके, बस फॉर्मूले में मान रखना है। एक तो वेल्यू में अगर आप एक दो क्वेश्चन में अगर आप मान रखेंगे तो ये फार्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं है, अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिवाइडेड डिफरेंसेस पढ़ेंगे।